महिंद्रा का स्टॉल पे और एक चीज़ उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट की थी, वो है व्हीकल डिज़ाइन प्लेटफॉर्म। उसको उन्होंने मेस्मा करके नाम दिया है। मेस्मा इज़ एन एक्रोनिम, शॉर्ट फॉर्म है वो महिंद्रा इलेक्ट्रिक स्केलेबल एंड मॉड्यूलर आर्किटेक्चर, ये प्लेटफॉर्म को नाम दिया है उन्होंने। और ये प्लेटफॉर्म पे यूज़ करके जो व्हीकल्स डेवलप करेंगे वो दोज विल बी कस्टमाइजेबल। उनकी रेंज 200 से 600 किलोमीटर तक हो सकती है, बैटरी साइज़ अलग हो सकती है, लोड कैरिंग कैपेसिटी अलग अलग हो सकती है, अलग अलग टाइप के व्हीकल्स कन्वर्ट किए जा सकते हैं। इससे महिंद्रा को एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि व्हीकल डिज़ाइन साइकिल जो है वो बहुत छोटी हो जाएगी, कि अभी जो व्हीकल डिज़ाइन करते हैं वो उसका बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटी हार्डवेयर में होता है, उसका हार्डवेयर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, और सॉफ्टवेयर जो अभी इंटरनल कंबशन इंजन व्हीकल्स है उनका काफ़ी कंपैरेटिवली सिंपलर होता है और सिर्फ ऑक्सिलरी सिस्टम्स में होता है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल में क्या होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल कंट्रोल यूनिट जो मेन पार्ट्स है उसमें भी बहुत सारा सॉफ्टवेयर आएगा, तो डिज़ाइन कॉम्प्लेक्सिटी ये सॉफ्टवेयर में शिफ्ट होगी, सो हार्डवेयर थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। सो ये ध्यान में रखते हुए महिंद्रा ने महिंद्रा ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं कि हार्डवेयर जो है वो क्विकली अडॉप्ट किया जा सके, जो है हार्डवेयर अवेलेबल उसको ही कॉन्फिगर करके मॉड्यूलर बना के जो कुछ सॉफ्टवेयर में चेंजेस जो करने चाहिए वो क्विकली हो सकते हैं। तो ये हिसाब से दोनों कंबाइन करके एक नया व्हीकल मार्केट में जल्दी से जल्दी आ सके। और ये हार्डवेयर प्लेटफॉर्म जो है ये प्राइमरीली हाई वोल्टेज सिस्टम्स के लिए है, तो हाई वोल्टेज सिस्टम्स के लिए इसके लिए उसको लिक्विड कूलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। महिंद्रा के E2O जैसे जो व्हीकल्स ऑलरेडी मार्केट में है वो लो वोल्टेज व्हीकल्स है, उनको एयर कूलिंग से काम चलाया जा सकता है। सो ये जो मेस्मा प्लेटफॉर्म है उसमें जो वर्जन दिखाया गया था उसमें दो मोटर्स थे, 50 किलोवाट का एक मोटर, ऐसे दो मोटर। सो इस दो मोटर यूज़ करके ऑल व्हील ड्राइव व्हीकल बनाया जा सकता है। और ये प्लेटफॉर्म उनका अभी अर्ली स्टेज डेवलपमेंट में है, कोई व्हीकल्स ये प्लेटफॉर्म यूज़ करके बनाए हुए ये रास्ते पे चलते दिखाई देने तक 2 साल लग सकते हैं, शायद ज़्यादा लग सकते हैं। और महिंद्रा का इंटेंशन ये है कि ये प्लेटफॉर्म वो खुद के उनके जो एग्जिस्टिंग इंटरनल कम्बशन इंजन व्हीकल्स है वो इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट के लिए करने के लिए यूज़ करेंगे ही, लेकिन शायद अगर दूसरे उनको कोई कस्टमर मिले कि जो ये प्लेटफॉर्म यूज़ करके और अपने व्हीकल्स बनाने चाहे तो उनको भी ये प्लेटफॉर्म महिंद्रा बेच सकते हैं। जो प्लेटफॉर्म महिंद्रा के स्टॉल में हमने देखा उसमें एक चीज़ मैं जब सोचता हूँ मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि जब लोग इंटरनल कम्बशन इंजन व्हीकल और पेट्रोल और इलेक्ट्रिक व्हीकल देखते हैं तो लोगों के मन में एक सिंपल कंपैरिजन होती है कि ये व्हीकल्स है, ये भी व्हीकल है, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी जाता है, ये भी जाता है, और इसमें इंजन लगाया हुआ है, इसमें बैटरी और मोटर लगाया हुआ है। बट दैट इज़ अ वेरी हाई लेवल एंड सुपरफिशियल, सिमिलैरिटी वहीं पे ख़त्म हो जाती है। उसके बाद वो दोनों व्हीकल काफ़ी डिफरेंट है। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उसमें बहुत तरह के 200-300 तरह के सेंसर्स लगे हुए हो सकते हैं, उसे बहुत टाइप का डेटा कलेक्ट किया जा सकता है, उसमें बहुत ऑप्टिमाइजेशन किया जा सकता है, फीचर सॉफ्टवेयर की यूज से इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर पार्ट जो है ये डिज़ाइन करने के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी उसमें आ जाती है, हार्डवेयर पार्ट जो है उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम हो जाता है। सो इसका एक इफेक्ट क्या होगा कि व्हीकल डिज़ाइन जब आप अगर सॉफ्टवेयर क्विकली इंप्रूव करोगे और नया तरह का बनाओगे तो आप नया तरह का व्हीकल बना सकते हैं अगर आपके पास हार्डवेयर रेडी हो। और मेस्मा कंसेप्ट में जो बताया गया है कि स्केलेबल एंड मॉड्यूलर, सो ऐसा आर्किटेक्चर अगर बनाया गया कि वो जो सॉफ्टवेयर कंसेप्ट अगर क्विकली चेंज हो गया तो उसको हार्डवेयर कंसेप्ट भी सपोर्ट करेगा और चेंज हो जाएगा, तो ये डेफिनेटली काम आएगा और व्हीकल अलग अलग टाइप के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के व्हीकल क्विकली बनाए जाएंगे, क्विकली मार्केट में लाए जाएंगे। तो दिस विल बी द वन वेरी गुड, बहुत बड़ा एडवांटेज होगा ये प्लेटफॉर्म का। और एक चीज़ जो है लिक्विड कूलिंग इसमें इस्तेमाल की गई है। अभी अपने देश में इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं कि जहाँ हाई टेम्परेचर बहुत कॉमन है फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ द ईयर, ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट्स है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज़्यादा यूज़ कैब्स में और ओला और उबर जैसे सर्विसेज में यूज़ किए जाएंगे, उसमें डेली व्हीकल 200 किलोमीटर चलते हैं, सो बैटरी पे बहुत हीट स्ट्रेस आएगा। और इसके लिए अभी तक जो सिस्टम्स है इलेक्ट्रिकल व्हीकल में इंडिया में वो लो वोल्टेज सिस्टम्स है, उसमें एयर कूलिंग चल सकता है, लेकिन अगर हाई वोल्टेज सिस्टम जो महिंद्रा बनाने जा रहा है ये प्लेटफॉर्म यूज़ करके, इसमें एयर कूलिंग सफिशेंट नहीं होगा।
तो इसमें जो लिक्विड कूलिंग है वो दैट विल बी क्रिटिकली इम्पॉर्टेंट। और हाई वोल्टेज सिस्टम ये एक चॉइस राइट डायरेक्शन में है, क्योंकि जो व्हीकल ज़्यादा लोड और ज़्यादा परफॉर्मेंस वाले व्हीकल बनाने के लिए वर्ल्ड ओवर जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स है हाई वोल्टेज सिस्टम प्रिफर कर रहे हैं, और उनके लिए बहुत सारा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया जा रहा है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी हाई वोल्टेज सिस्टम्स को ही प्रिफर करके बनाया जा रहा है। सो ये महिंद्रा ने ध्यान में रखे हुए ये डायरेक्शन में राइट सही कदम बढ़ाया है।